हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एम एस आई टी आई जो पे। तो हम आप लोग के साथ फिर से जुड़ चुके हैं एक नए रिक्वायरमेंट के साथ। तो दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं तो होंडा कार प्लांट की तरफ से जो है एफ टी ए और अप्रेंटिसशिप के लिए जो है भर्ती प्रक्रिया निकाली गई है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन जो है किया जा रहा है। तो जो भी उम्मीदवार आई टी आई पास आउट हैं, अगर आप होंडा कंपनी से अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं या 2 साल का जो है एफ टी ए करना चाहते हैं, दोनों के लिए जो है आवेदन हो रहे हैं। आईटीआई पास आउट कैंडिडेट जो है इसमें एलिजिबल रहेंगे। 18 से 26 साल तक के जो है कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो दोस्तों, जो भी उम्मीदवार इसमें पार्टिसिपेट करेंगे उनको 24,250 रुपये जो है इन हैंड सैलरी प्रोवाइड की जानी है। तो इसमें आपका जो है आवेदन करना है, तो जो भी मेल कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे वो सब जो है इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या एलिजिबल क्वालिफिकेशंस रहने वाला है, और साथ ही साथ मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया हूं, वहीं से जाके आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी उम्मीदवार जिस पर इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, वीडियो के लास्ट तक बने रहें, सारा कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को प्रोवाइड करने वाला हूं। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें ताकि जो भी जरूरतमंद है उनके पास जो है वीडियो का नोटिफिकेशन जा सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं होंडा कार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थापुकड़ा अलवर राजस्थान की कंपनी है, जिसमें निःशुल्क जो है आपको भर्ती प्रक्रिया का जो है आवेदन किया जा रहा है। कोई भी चार्जेस कंपनी या कोई भी थर्ड पार्टी आदमी को जो है इसमें एक भी रुपए चार्जेस नहीं पे किया है, वहीं आपको यहां पे मेंशन किया गया है। अगर आपको कंपनी जब कभी भी इंटरव्यू के लिए या टेस्ट के लिए बुलाए तो आपको किसी को एक भी रुपए चार्जेस पे नहीं करने हैं, इसमें मेंशन भी किया गया है। फिर आपको पोस्ट जॉब मिले तो ही आपको लेना है। एफ टी ए और अप्रेंटिसशिप दोनों के लिए भर्ती प्रक्रिया रहेगी। क्वालिटी और मेंटेनेंस में जो है आपका जॉब रहने वाला है। एजुकेशन डिटेल्स की बात करें तो 10वीं के साथ आपका आईटीआई होना चाहिए। आईटीआई एनसीबीटी और एससीबीटी दोनों लोग एलिजिबल रहेंगे। गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज के कैंडिडेट जो हैं इसमें सभी एलिजिबल रहने वाले हैं। तो दोस्तों, इसमें आईटीआई ट्रेड की बात करें तो फीटर, टर्नर, वेल्डर, मैकेनिस्ट, ट्रैक्टर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, टर्नर, वायरमैन, ट्रैक्टर मैकेनिक, एमवीवी, टूल एंड ड्राइव मेकर, ऑटोमोबाइल्स, सीओई के जो है ऑल ट्रेड ये इसमें जो है एलिजिबल रहने वाले हैं। तो ऑल ट्रेड टेक्निकल इसमें एलिजिबल रहेगा। इंटरव्यू के समय जो है आपको सभी डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं। पासिंग ईयर्स की बात करें तो 2018 से 2023 तक के जो है कैंडिडेट इसमें एलिजिबल रहने वाले हैं। और अपेयरिंग जो 2023 के कैंडिडेट अपेयरिंग हैं वो लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 18 से 26 साल इसमें आपका एज लिमिट रहने वाला है। होंडा कार कंपनी में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जो है उम्मीदवारों की एज 18 से 26 साल रखी गई है। तो जो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे उनको मैं सैलरी इसमें डिक्लेयर बता देता हूं कि अप्रेंटिसशिप और एफटीए के लिए क्या सैलरी रहने वाला है। तो दोस्तों, आप सब देख सकते हैं होंडा कार कंपनी में यदि आप अप्रेंटिसशिप पे आवेदन करते हैं तो आपको शुरुआती वेतन जो है 13,500 रुपये प्रोवाइड किए जाएंगे। उसके बाद जो है आपको 1 साल बाद जब आपका अप्रेंटिस पूरा होगा तो आपको एफटीए के लिए जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, यानी 3 साल अप्रेंटिस वालों को रखा जाएगा और जो अप्रेंटिसशिप नहीं करना चाहते हैं उनको 2 साल एफटीए में जो है रखा जाएगा। 24,500 सैलरी रहेगी पर मंथ। तो जो भी उम्मीदवार इसमें पार्टिसिपेट करेंगे एससीईटीसी सैलरी रहने वाली है, यानी आपको 19,000 के समथिंग जो है इसमें इन हैंड आपको सैलरी मिल जाती है एफटीए में, और अप्रेंटिसशिप में आपको 13,500 इन हैंड मिलने वाला है। इसमें पीएफएसआई, कैंटीन, बस, दिवाली बोनस, इंश्योरेंस, सेफ्टी शूज, मेडिकल इंश्योरेंस, यूनिफॉर्म की व्यवस्था आपको कंपनी की तरफ से दी जाएगी। आपको थापुकड़ा अलवर भिवाड़ी राजस्थान में जो है आपका जॉब लोकेशन से रहने वाला है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है आपको भरने होंगे। तो ऑल इंडिया कैंडिडेट जो है इस फॉर्म के लिए एलिजिबल रहने वाले हैं। और डॉक्यूमेंट्स आपका जो ज्वाइनिंग के समय या इंटरव्यू में आपको जो ले जाने हैं उसमें आप देख सकते हैं रिज्यूम, आपका बायोडाटा, ओरिजिनल मार्कशीट्स, आधार कार्ड्स, और साथ ही साथ इसमें पैन कार्ड और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल हैं ओरिजिनल्स भी ले जाने हैं, जीरेक्स कॉपी भी ले जाने हैं इंटरव्यू के समय, बैंक पासबुक और पासपोर्ट साइज फ़ोटो के साथ जो है इसमें जाने हैं। तो आप अपना जो है 10वीं आईटीआई, आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसके बाद जो है इसमें पासपोर्ट साइज फ़ोटो, बैंक डिटेल्स और बायोडाटा यानी रिज्यूम के साथ आप जाके इस कैंपस इस जो है रिक्वायरमेंट का इंटरव्यू दे सकते हैं। जब आपको कंपनी बुलाएगी तब जाना है, पहले आपको आवेदन करने हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, ऑल इंडिया कैंडिडेट जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, फिर आप पोस्ट जो है जॉब आपको दी जाएगी। तो आप सब आवेदन करें, कोई भी आपके मन में डाउट्स है तो एक बार कमेंट जरूर करें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। और ऐसे ही लेटेस्ट रिक्वायरमेंट और कैंपस की जानकारी के लिए एक बार हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए रिक्वायरमेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।